हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो ये 10th क्लास का एक चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, वही आपका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। आपको बहुपद चैप्टर में आप जाकर के देख लीजिएगा, 9th क्लास का है। जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। जहां ए बी सी क्या है, आपका वास्तविक संख्याएं हैं, तथा यहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, वही आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद जो इस रूप में हो या जिसका घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य किसे कहेंगे, ठीक ना, कि चर मान, मान लीजिए कि आपका क्या है, दू एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पांच, ये आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद है। जैसे अगला एक कोई ले लीजिए, पांच एक्स स्क्वायर माइनस पांच, ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। फिर छह एक्स स्क्वायर प्लस पांच, ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। मतलब जिस बहुपद का घात दो हो, वो आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप होता है। और इसका शून्य क्या होता है, तो जिस बहुपद में चर का मान रखने पर द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, वो चर शून्य कहलाता है। मतलब द्विघात बहुपद का शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चर का वह मान जिसके लिए द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, वही कहलाता है। मतलब जो हम चर का मान रखेंगे और वो बहुपद आपका जीरो के बराबर आ जाए, चर के मान को बहुपद में रखेंगे और बहुपद अगर जीरो के बराबर आ जाए, तो वही आपका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे मैं द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आपका द्विघात बहुपद क्या है, दू एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दू एक्स माइनस तीन है, और इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, ये मान लीजिए पी एक्स बराबर कोई द्विघात बहुपद है, अगर हम पी वन बराबर हम रखेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस दो गुणे एक माइनस तीन, आप देखिए एक प्लस दो माइनस तीन, इस तरह से तीन माइनस तीन बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ एक्स बराबर वन रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया, अतः एक्स बराबर वन जो है, अतः वन जो है इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। मतलब बहुपद का शून्य वही होगा जब हम उसका मान उस बहुपद में रखेंगे, अगर वह बहुपद जीरो के बराबर आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका चर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यही आपको पढ़ना है 10th क्लास में, ये एक चैप्टर के रूप में है, ठीक ना, आपका अध्याय चार है। द्विघात समीकरण, मान लीजिए द्विघात बहुपद आपका हो गया पी एक्स, अगर कोई द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात दो हो, तो अगर कोई द्विघात बहुपद पी एक्स हो, तो उसको द्विघात समीकरण में बदलने के लिए पी एक्स को हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें आपका इक्वल टू लिखा हुआ हो, मतलब बराबर हो, अगर किसी भी बहुपद में अगर बराबर हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद है और इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या जहां पे आपका ये बराबर चिन्ह दिख जाएगा वो आपका समीकरण हो जाएगा, और नहीं तो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, द्विघात बहुपद के मूल या शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना, इसका चर के वे मान, जैसे ये द्विघात बहुपद हो गया, इसके शून्य कैसे ज्ञात किए, उसी तरह से द्विघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण के शून्य को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उस समीकरण को क्या कहते हैं, उसका मूल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि कोई आपका चर हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो बराबर जीरो, ठीक, और इस ये इसको हम क्या मान लिए, पी एक्स मान लिए, पी एक्स बराबर ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर हम पी एक्स बराबर ये है, तो इसमें अगर हम पी टू रखेंगे, पी टू रख करके देखिए, तो टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, ठीक ना, इसको हल कीजिएगा तो चार माइनस चार बराबर जीरो। इस प्रकार जो टू रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ गया है, शून्य के
बराबर आ गया है तो वो आपका दो जो है होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा या शून्य कहलाएगा। दोस्तों शून्य हम द्विघात बहुपद में कहेंगे और मूल किसे कहेंगे तो द्विघात समीकरण में कहेंगे। मतलब शून्य और मूल ये दोनों एक ही बातें हैं कि यदि चर का ऐसा मान द्विघात समीकरण में रख देंगे तो वो चर मान द्विघात का मूल कहलाएगा, या चर का ऐसा मान जो द्विघात बहुपद में रख देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के बुक पे। ठीक, तो प्रश्नावली 4.1 है, इसमें यही बताना है, जांच करना है कि बताइए कि इनमें कौन कौन से द्विघात बहुपद हैं। अब देखिए बहुपद के लिए आपको एक एक नाइन्थ क्लास के वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो बहुपद उसे कहते हैं कि जो चर चर एक्स का वैसा जो धनात्मक मान होना चाहिए वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे होना चाहिए क्या आपका a0 x x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 प्लस a n x के पावर n। मतलब चर x का ऐसा मान जो इस रूप में हो जहां x के जो घात है पावर क्या है धनात्मक पूर्णांक हो वही आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और आपका a1 a0 a1 a2 डैश 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 a n ये सभी क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना, वही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद चैप्टर में जा करके नाइन्थ क्लास में वीडियो डाले हैं उसको देख लीजिएगा। और जिन लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। अब देखिए इसमें बताना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो आपका पहला दे दिया है क्वेश्चन का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और बराबर है 2 × x − 3। इसको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसको देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b होता है, इसमें गुणा कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x गुणा करके देख लीजिएगा और ये हो गया। अब इसको हम इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x − 2x चूंकि उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए भाग ये बराबर का नियम है कि अगर कोई संख्या इधर प्लस में है अगर दाहिना तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है दाहिना तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर भाग में है इसको दाहिना तरफ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में है कोई संख्या किसी संख्या के तो उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी देखिए इसको हल करेंगे, ये 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में है, ये घट जाएगा, कटेगा नहीं, घट करके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य को हमको लिखना कोई जरूरी नहीं है और 6 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जो इतना के रूप में होते हुए भी 0 हो तो वो आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x प्लस 7 = 0। देखिए इसको हल कीजिएगा तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, एक दूसरे के फॉर्म में हो गया। इस प्रकार यह क्या है, द्विघात बहुपद है। एक और क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं, पहला का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक ना, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक, आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ले लिए हैं। सभी क्वेश्चन को वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है उसी को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या यह द्विघात बहुपद है, एक्स प्लस तीन है। ठीक, इसमें पूछ रहा है 4.1 का क्वेश्चन है ये प्रश्नावली, इसमें पूछ रहा है कि क्या यह द्विघात बहुपद है। इसको क्या कीजिए, आप वीडियो को स्टॉप करके देख गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक ना, ये है कि नहीं, इस तरह से हम हल कर दे रहे हैं। देखिए इसको गुणा करने का तरीका क्या है, एक्स में टोटली से गुणा करेंगे -2, एक्स में क्या करेंगे -2 से क्या करेंगे टोटली में गुणा करेंगे, यही गुणा करने का रूल है दोस्तों। फिर एक्स में टोटली से गुणा करेंगे -1 है ना, अब -1 से क्या करेंगे टोटली से गुणा करेंगे। ठीक,
इस प्रकार आप देखिए x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, x में माइनस वन से गुणा करेंगे माइनस एक्स, माइनस दो एक्स, माइनस दो में x में गुणा करेंगे माइनस दो एक्स, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, या माइनस माइनस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि माइनस दो और माइनस तीन प्लस पांच नहीं होगा, ये माइनस से पांच रहेगा, यहाँ क्या हो रहा है जुट रहा है। पर यदि माइनस दो और माइनस तीन में क्या करेंगे गुणा करेंगे तब यहाँ आपका छह होगा जो प्लस में होगा। तो गुणा होता है तो आपका प्लस होता है, पर माइनस माइनस जुटेगा तो वो आपका क्या होगा माइनस में रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको चाहे तो लिख सकते हैं, दो लिख लेंगे फिर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस तीन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा माइनस एक्स और माइनस तीन। अब हम क्या करेंगे सबको एक तरफ ला देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए माइनस दो एक्स और माइनस एक्स, माइनस तीन एक्स हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए तीन एक्स और माइनस एक्स दो एक्स हो जाएगा, प्लस में दो एक्स उधर है, अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस दो एक्स हो जाएगा, और ये उधर प्लस माइनस में तीन है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में तीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, कट नहीं रहा है क्या हो रहा है घट रहा है। इस प्रकार देखिए माइनस तीन एक्स माइनस दो एक्स माइनस पांच एक्स, ठीक ना, और प्लस पांच बराबर आपका जीरो। इस प्रकार माइनस पांच चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक ना, ये आपका जीरो हो गया। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या यह द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, ठीक ना, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। अगर इसको इस फॉर्म में बदलेंगे तो द्विघात बहुपद का यही है जहाँ ए बी सी क्या वास्तविक संख्या है, देखिए इसको बदल रहे हैं, जहाँ ए बी सी जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको इस तरह से द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो हो गया, ठीक ना, पर यह द्विघात समीकरण नहीं है, चूंकि इस फॉर्म में तो हो गया, पर यह द्विघात समीकरण का यही सूत्र कह रहा है कि वैसा समीकरण जो इस रूप में हो और जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और सी क्या है ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक ना, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अतः यह आपका द्विघात बहुपद नहीं है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना, और इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम रह गया है उसको हम बना दे रहे हैं, उसको आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम में दूसरा का पहला है, ठीक ना, उसको पढ़ करके बना दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए क्या हम पढ़ रहे हैं और ये कैसे बनेगा। इसमें कह रहा है कि एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल, पता है ये आपका जो बोर्ड है वो आयताकार है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, वो आपका क्या है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना, क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। फिर इसमें कह रहे हैं कि यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक हो, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी से एक मीटर क्या हो अधिक हो, तो कह रहा है कि इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो अब देखिए माना कि भूखंड की चौड़ाई एक्स है, पर एक लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक हो और उसका क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हो तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई एक्स है, ठीक ना, एक्स आप देखिए एक्स मीटर भी ले सकते हैं। अब क्या कर रहा है लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई कह रहा है प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई में दो से गुणा कर देंगे और प्लस वन कर देंगे, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से क्या है एक अधिक है, ठीक ना। इसके ये प्रश्न के अनुसार हो गया, पुनः प्रश्न से आपका दे दिया है, पुनः प्रश्न से इन दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक ना। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, लंबाई आपका एक्स है और चौड़ाई आपका क्या है टू एक्स प्लस वन है, बराबर आपका क्या दे दिया है 528 दे दिया है, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे गुणा करके इन दोनों में गुणा करेंगे तो आपका दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, और ये आपका हो जाएगा प्लस
एक्स हो जाएगा बराबर में 528 हो जाएगा। अब देखिए 2x² + x और ये माइनस 528 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको जो चेंज करना है बस इतना ही करके छोड़ देना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में द्विघात बहुपद के रूप में बदले, यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के रूप में हो गया, पर यदि आपको इसको क्या करना होगा हल करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं 528 को चेंज कर देंगे, 2 से कटाएंगे 2 × 4 ठीक ना, 2 से कटाइए तो ये आपका हो जाएगा क्या 2 × 2 = 6, 2 × 4 2 × 6 = 12, 2 हो गया 33 हो गया, फिर 3 देखिए 11 हो गया ठीक ना, और ये ऑलरेडी 2 है ये है, तो हम करते क्या है कि पहले को तीसरे वाले में गुणा करते हैं ठीक ना, तो पहले को तीसरे वाले में गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए गुणा कीजिएगा तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा, और 2 × 528 में कितने 2 है 3 2 है 4 2 है 4 2 है और 3 कितना है 1 है और 11 है। अब इसमें कॉम्बिनेशन मिलाना है ठीक ना, कि जोड़ा या घटाया जाए तो इस तरह से आ जाए। अब देखिए 3 × 6 × 12 12 × 24 ठीक, इस तरह से नहीं हो रहा है ठीक, 11 × 3 = 33 क्या होता है 33, 2 × 4 = 4, 8 × 16 = 16 × 32। अब देखिए इसको हम ले लिए दो भागों में बांटेंगे 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। इसको हम क्या करेंगे 2x दोनों में कॉमन है, x कॉमन है सिर्फ ठीक, तो ये हो जाएगा 2x + 33 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या कर लीजिएगा 16 कॉमन लीजिएगा तो आपका -16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 33 हो जाएगा ठीक ना, इस प्रकार से आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको बना लीजिएगा x - 16 × 2x + 33 = आपका 0 हो जाएगा ठीक ना। अब दोस्तों इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। अब देखिए यदि यदि x - 16 = 0 x = 16 हो गया ठीक ना, यदि 2x + 33 = 0 तो 2x हो जाएगा -33, x हो जाएगा -33/2। अब देखिए माइनस में आ रहा है तो लंबाई और या चौड़ाई कोई माइनस में थोड़ी ना होता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे अमान्य मान लेंगे, और ये x = 16 मीटर जो आया है वो आपका चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे 2x + 1 होता है तो 2 × 16 + 1 इस प्रकार से 32 + 1 = आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा लंबाई आपका 33 हो जाएगा और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.1 बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को क्या कर दिए सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा आपके पास पहुंच जाएगा ठीक है।